नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श कुश्ती। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्या है कि इंग्लिश में तो हर कोई टाइप कर लेता है, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में, समझे। पर हम इस वीडियो में बात ये करेंगे कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको हिंदी टाइप करना है कंप्यूटर में, तो आप हिंदी कैसे टाइप कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कंप्यूटर में, समझे। चाहे पेंट ब्रश में हिंदी लिखना हो, वर्डपैड में लिखना हो, नोटपैड में लिखना हो, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, या फिर फोटोशॉप में, कहीं भी अगर आपको, या फिर इंटरनेट में कुछ भी सर्च करना है तो हिंदी लिख करके सर्च करना है। कुछ भी अगर आपको हिंदी में लिखना है कंप्यूटर में, तो आप हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो चलिए हम आपको चल करके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये दिखाते हैं कि कैसे आप टाइप कर सकते हैं हिंदी में। और ये जो है हिंदी में टाइप करना, मैं बता रहा हूँ गूगल इनपुट टूल की मदद से। क्या है कि गूगल का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है 4 MB 5 MB का। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप आराम से लिख सकते हैं, कहीं भी आराम से आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, समझे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है, वो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आप वहाँ पर जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, समझे। चलिए हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि अब हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं। और यदि आपको डाउनलोड करना हो सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको ये यहाँ पर देख सकती हैं, हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं ऑलरेडी। पर ये जो है, ये वाला जो है कंप्यूटर में हिंदी कैसे टाइप किया जाता है, इस वीडियो को ओपन कीजिएगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, समझे। तो ये है, तो चलिए ओपन कर लेते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि एमएस वर्ड ही ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड कर लेते हैं ओपन, ये आ चुका है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं, और उसी प्रकार से क्या कहते हैं एमएस एक्सेल में भी टाइप करके आपको दिखाएंगे, और फोटोशॉप में भी हम आपको टाइप करके बताएंगे, समझे। कहीं भी आप आराम से, इंटरनेट में भी हम आपको टाइप करके दिखाएंगे आराम से, इजी वे में, और ज़्यादा कुछ मतलब कम समय में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझे। मुश्किल से 4-5 मिनट वीडियो के अंदर आप सारी चीज़ समझ जाते हैं। और ये मतलब ये है, यदि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, चलाते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में कैसे टाइप किया जा सकता है। अब ओपन कर लेते हैं एक्सेल, एक्सेल ओपन कर लिए। कुछ भी, ये सब 3-4 सॉफ्टवेयर ओपन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सभी सॉफ्टवेयर में आप आराम से हिंदी में टाइप कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हो। आप एक ओपन कर लेते हैं, सपोज दैट मान ली कि वर्ड पैड ओपन कर लेते हैं। इन सभी चारों सॉफ्टवेयर में क्या है कि मैं आपको हिंदी में टाइप करने के लिए बता दूँगा। तो इससे क्या है कि आप समझ सकते हैं कि कहीं भी आप आराम से हिंदी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टाइप करते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में शुरू करते हैं टाइप करना, और जैसे कि कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मैं मान ली कि सपोज दैट मैं लिख लेता हूं, और जब आप सब इंस्टॉल कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को, तो आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है इंग्लिश इंग्लिश है, और यहाँ पर हिंदी है। तो क्या है कि आपको यदि हिंदी लिखना है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, समझे। और अगर आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है डायरेक्ट आपको कीबोर्ड से मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पर आकर के चेंज नहीं करना पड़ेगा। सब बहुत मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं कुछ भी, तो कहीं कहीं आपको इंग्लिश भी लिखना ज़रूरत होता है, कहीं हिंदी भी लिखने की आवश्यकता पड़ेगा, तो दोनों जरूरत पड़ सकता है। तो क्या कि जब आप लिखिएगा तो बार बार मतलब आपको यहाँ पर ला करके माउस का कर्सर आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट चाहें तो अल्ट और शिफ्ट दबा करके आराम से चेंज कर सकते हैं। अल्ट और शिफ्ट दबा करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे ये हिंदी हो गया, इंग्लिश करना है तो ऑल्ट और शिफ्ट दबाइए, एक बार इंग्लिश हो गया। तो इसी प्रकार से क्या है कि आराम से कीबोर्ड की मदद से भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि ये इंग्लिश है, समझे, तो इंग्लिश लिख रहे हैं, जैसे कि कुछ भी लिखिएगा तो ये इंग्लिश टाइप होगा, समझे। पर हिंदी करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हिंदी हो गया है। अब हम टाइप करते हैं कि ये हम टाइप कर रहे हैं कि हम लोग जो है हिंदी में टाइप करना सीख रहे हैं, यही टाइप कर देते हैं हम लोग। बस आप टाइप करते जाइए, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक पर चैट करते उसी तरह से टाइप करते जाइए, ऑटोमेटिक लिखाते जाएगा। हम लोग हिंदी टाइप करना सीख रहे हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग हिंदी टाइप करना सीख रहे हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। तो ये है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं हम लोग हिंदी टाइप करना सीख रहे हैं। ये तो हो गया एमएस वर्ड में। अब इसी चीज़ को हम टाइप करते हैं, क्या कहते हैं ये एमएस वर्ड में आप टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं
हम लोग लोग जैसे इंग्लिश में टाइप करते उसी से हम लोग हिंदी में लिखना करते हैं, यहाँ पर लिखना सीख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये है। अब एक्सेल में हम लिखते हैं, एक्सेल का इसका जो है तो कॉलम बढ़ा देते हैं और इसका भी बढ़ा देते हैं ताकि इसमें हम टाइप करते हैं कि क्या आप हिंदी में टाइप इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी लिखना है तो हिंदी। और ये है टाइप, जैसे कि ये है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखें तो ये ब्लू कलर का सिलेक्टेड है, अगर स्पेस दबाइएगा तो ये इंग्लिश लिखा जाएगा, अगर आपको ये हिंदी वाला चाहिए तो इस पर ला करके कर्सर को टिप सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं तो ये हिंदी लिखा जाएगा। कि आप हिंदी में टाइप करना जानते हैं, इस तरह से हो गया हिंदी। अब हम आपको क्या कहते हैं इंटरनेट में भी सर्च करना बता सकते हैं हिंदी में, अगर आप टाइप करना चाहते हैं जैसे कि सर्च करते हैं कुछ भी, अगर आप सर्च करते हैं सपोज दैट मान ली कि सर्च करते हैं हिंदी में सर्च करते हैं कि गूगल का इसको इंग्लिश ही रख देते हैं CEO और हिंदी कर देते हैं कौन है, इस प्रकार से आप हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं गूगल का CEO कौन है, तो इस तरह से देखें तो सुंदर पिचाई आ गया। तो कुल मिलाकर ये है कि आराम से आप कहीं भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं, और ये जो है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है गूगल इनपुट टूल की मदद से आप आराम से कहीं भी सॉफ्टवेयर में आराम से हिंदी में टाइप कर सकते हैं, समझे। तो ये था आज के वीडियो में बताने का मोटो कि आप हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं कहीं पर भी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।